Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. देखो सुसाइड होना कोई अच्छी बात नहीं है. हम सब लोग चिंतित हैं, सरकार चिंतित है इस बात को लेकर के. लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सुसाइड के लिए कोई एक ही कारण हो या कोई एक ही व्यक्ति दोषी हो या एक ही संस्था दोषी हो, ऐसा लगता नहीं है. कई सारे कारण इसके होते हैं. कई बार जो विद्यार्थी उसके ऊपर दिमाग पर बहुत लोड रहता है, बहुत तनाव रहता है कि मैं जिस प्रकार के बच्चे यहाँ हैं क्या उनसे रैंक में आगे आ पाऊँगा. फिर जो परीक्षाएं होती है तो उनको कार्ड दिया जाता है कि तुम्हारी रैंक ये है. फिर माँ बाप को पता चलता है तो वो पूछते हुए तुम्हारी रैंक क्या है, वो रैंक बता दो, बोला तुम्हारी रैंक बहुत पीछे है, तुम और करिए, और मेहनत करिए, तुम मेहनत नहीं करते हो, या कई सारी बातें माँ बाप कहते हैं. तो माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को उतना ही कहे जितना झेल पाए, और वही सब्जेक्ट दिलाएं या वही पढ़ाई कराएं जितनी उसकी कैपेसिटी है. हम कैपेसिटी के अतिरिक्त बाहर जाकर के उसे अपेक्षा करते हैं, और जो ठीक नहीं इसके कारण से वो तनाव में आ जाता है. और कभी कभी इधर कोचिंग का तनाव, इतने माँ बाप का तनाव, और इसके कारण से कई बार वो सुसाइड कर जाता है. इसके और भी कारण होते हैं, सुसाइड के दो ही कारण नहीं होते. कई बार क्या होता है, उम्र ऐसी होती है जो फिसलने की होती है. कई बार प्यार में पढ़ते पढ़ते किसी प्यार हो जाता है, फिर उसमें जब दरार आती है तो सहन नहीं कर पाता, और इस कारण भी कई बार वो सुसाइड कर जाता है. कई बार स्थिति आती है कि वो प्यार करते हैं, अब माँ बाप को नहीं कह पाते, माँ बाप को पता चला तो डांटते हैं, तो कहते हैं शायद मैं प्यार में विफल हो गया हूँ, और शायद मेरे पार्टनर से मैं मिल नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे बाप मेरा दूसरा रिश्ता करेंगे. तो इसको भी ध्यान में रख करके वो सुसाइड कर लेते हैं. तो कई कारण होते हैं सुसाइड के, और मेरा मानना इतना है, जितनी पॉपुलेशन है सभी प्रकार की, और जो रेशो है सुसाइड का, वो रेशो पूरे देश का एक जैसा लगता है. क्योंकि यहाँ जहाँ कोचिंग सेंटर्स होते हैं वहाँ सच्चे के विद्यार्थी बड़ी संख्या में रहते, तो एक साथ दिखते हो, लेकिन आम जनता की बात करें तो जिसका सुसाइड रेशो निकालते हैं, तो वो कोचिंग संस्थानों के बच्चे ही सुसाइड करते हैं, ऐसा नहीं है. पच्चीस की 25 सीट्स भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीतेगी. सर्वत्र एक ही आवाज थी कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे. कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा फिर सत्ता में आई तो आरक्षण में बदलाव और संविधान से छेड़छाड़ कर सकती है. ऐसा बोलने वाले मूर्ख लोग हैं, क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र जी मोदी यह कह चुके कि जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता जिंदा इस धरती पर, तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा, नहीं छेड़खानी होगी. इसके बाद क्या बचता है? एक सवाल और, कांग्रेस का आरोप है कि ये चुनाव बीजेपी हिंदू मुस्लिम राम मंदिर धारा 370 के नाम पर लड़ रही है क्योंकि महंगाई के मुद्दे गौण हो चुके हैं. मतलब इनके लिए धारा 370 महत्वपूर्ण नहीं थी, यानी अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण दिला दिया, वहां महिलाओं को आरक्षण दिला दिया, ओबीसी को आरक्षण दिला दिया, तो कांग्रेस का पेट दुख रहा है. कांग्रेस चाहती थी कि वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को, ओबीसी को और महिलाओं को आरक्षण नहीं मिले. वहां सामान्यतः हिंदुओं को वोट देने का अधिकार छीन लिया गया था, वो दे दिया, उससे कांग्रेस का पेट दुख रहा है. आतंकवादी वहां आकर के हमारे अभी तक 41,000 लोगों की हत्या कर गए, अब उनको बचाने का काम हो रहा है, उनका पेट दुख रहा है. जब भारत का राष्ट्र ध्वज तिरंगा पहरा रहा है काश्मीर की धरती के चप्पे चप्पे पर फहरा रहा है, तो उनको कष्ट होता है कि हमारे हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा स्वतंत्र रूप से क्यों फहरा रहा है. वहां भारत माता की जय जयकार हो रही है चप्पे चप्पे पर, और भगवान राम की जय जयकार हो रही है, तो उनका पेट दुख रहा है. ये राम के विरोधी हैं, राष्ट्र के विरोधी हैं,
राष्ट्रीय ध्वज के विरोधी हैं, ये अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और महिलाओं के विरोधी हैं।